नमस्कार, आप सब देख रहे हैं टॉप बिहार न्यूज चैनल। आपके साथ संजीव शुक्ला। अभी हम हैं अरेराज कंफर्म सिनेमा हॉल में और हमारे साथ है इस हॉल के मैनेजर और हॉल के मैनेजर ओनर की बात करते हैं विकी भैया, और साथ में मास्टर जी भी हैं जो हम लोग शिक्षा दिए भी है, तो इस फिल्म को देखे भी है, तो इनसे भी पूछेंगे। देखे नहीं है सॉरी, मतलब यहाँ के जो लोगों का मुस्कान जो चेहरा पर था, तो उसे देख कर मास्टर जी भी बहुत खुश हुए कि यह जो फिल्म है समाज पर बनाया गया है और समाज देख कर इसे खुश हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस टॉप यहाँ के विकी भैया। आप इस फिल्म को तो शायद देखे भी होंगे और देखे होंगे कि इस फिल्म के बारे में आप कुछ बताइए। और दर्शकों में एक अलग रिस्पांस है 2022 की। मुझे लग रहा है कि अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है और अच्छा रिस्पांस भी ले रही है। दर्शकों में एक अच्छा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और आगे उम्मीद है कि पिक्चर अच्छा कारोबार करेगा। इसका सेल भी तो अच्छा खासा गया होगा जी। क्या चलिए सेल के बारे में बात करें, तो इस फिल्म का जो सेल है, अस्थि मूवी का जो सेल है, बहुत ही अच्छा खासा जा रहा है। और यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं, अनुपम सिनेमा जो अरेराज में है, यहाँ पर जितने बिहार में भी सिनेमा हॉल है, बिहार नहीं, झारखंड, पंजाब, गुजरात, जहाँ भी फिल्म लगा हुआ है, वहाँ पर इस फिल्म की जो प्रदर्शन है बहुत ही अच्छी है। अच्छा विकी भैया, ये हमें बताइए कि यहाँ के लोग देखने के बाद जब जा रहे थे तो लोगों के मन में बहुत ही बड़ी बात थी, तो आप उन लोगों को उल्लास मन में देख रहे थे, इसे आप क्या महसूस करते थे, इस फिल्म को मतलब कैसी कमाई आगे की, मतलब एक हफ्ते का आपको टाइम मिला होगा और आगे हफ्ते में आपको मिल सकता है, क्योंकि दर्शकों का कहना है कि इस मूवी को एक महीना चलना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये मूवी जब तक चलेगी हम लोग चलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि पिक्चर सुपर डुपर हिट साबित हो, शुभकामना है। और प्रदीप के शर्मा वो राज पाटिल डायरेक्टर को ऐसे ही फिल्म बनाते रहे और फिल्म जगत में ऐसे नई ऊंचाई नई दिशा मिले, भोजपुरी को अच्छा रिस्पॉन्स मिले, शुभकामना है। चलिए विकी भाई का कहना है कि यह फिल्म अच्छा खासा कमाई करे और कमाई करेगी तभी मतलब अच्छी इसकी मतलब कहना मतलब कि समाज में एक फिल्म जो है ना अच्छा खासा बड़ा असर पड़ेगा इस फिल्म को। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपको यहीं पर थे और यहाँ के जो दर्शक जा रहे थे तो मन में बहुत बड़ा उल्लास था, आप जो पिक्चर नहीं देखे ना कि आप लोगों के मन को पढ़ते जरूर है कि आप एक शिक्षक है, हमें भी शिक्षा दी है, सौभाग्य तो मैं आपसे कुछ थोड़ा बात पूछने आया हूँ, तो आप लोगों को मन इतना खुशी हो रहा था तो क्या कहना चाहेंगे कि लगता है मन में एक फिल्म में ऐसा होता है कि लोगों के मानिक मूर्ति होता है, लेकिन हमें यहाँ को देखा कि लेडीज सबसे ज्यादा, मतलब जेंट्स के अलावा लेडीज सबसे ज्यादा और लेडीज बहुत ही खुश थी और जो निचले कास्ट के होते हैं जो सोपन होते हैं वो भी बहुत खुश थे इस फिल्म को देखने के बाद, तो आप इस फिल्म के माध्यम से लोगों को क्या निर्देश देना चाहेंगे? धन्यवाद। फिल्म देख कर हॉल से बाहर निकलने वाले जो दर्शक थे उनका हंसता हुआ और मुस्कुराता चेहरा भरव सिंह यह सुन कर रहा था कि यह फिल्म बहुत अच्छी है और यह फिल्म जो है सामाजिक जो विषमता है, सामाजिक जो कक्षता है, उस पर एक करारा प्रहार है और ऐसे ही फिल्म की जरूरत आज के युग में है कि लोग देखें और उसे शिक्षा प्राप्त करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, समाज में इसी प्रकार से फिल्म बनना चाहिए और हम भी कहेंगे कि जितने भी हमारे ऑडियंस है, जितने भी हमारे हमें देख रहे हैं, आप लोग जो भी लोग गलत गाना गाते हैं या गलती फिल्म करते हैं, फिल्म में तो कुछ ना कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है जिससे लोग कुछ लोग रोमांटिक मूड में होते हैं, लेकिन उतना मतलब नहीं किया जाए जिससे हम समाज पर बुरा असर पड़े, लेकिन गाने को भी आप लोग रोक दीजिए। और अच्छा मास्टर जी ये बता दीजिए कि कुछ लोग ऐसे सिंगर हैं जो कि मतलब गाना जो चमकने हिट होने के लिए बहुत घटिया से घटिया गाना गाते हैं, तो आप उन सिंगरों को क्या निर्देश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि शायद वह अश्लीलता जो है किसी भी गाने में नहीं होनी चाहिए और लगता है जैसे इस फिल्म को जैसा लोगों ने कहा परिवार के साथ भी देख सकते हैं, इसका मतलब है कि अश्लीलता का नाम नहीं चाहते। बहुत बहुत बढ़िया एक फिल्म है और प्रदीप के शर्मा के निर्माता जो है इस फिल्म के और प्राग पाटिल इस फिल्म को जो डायरेक्ट किए हैं, इस फिल्म में सभ्यता का चीज दिखाया गया है, संस्कृति और सभ्यता जो हमारे पूर्वजों की तरफ से पहले ही से आ रहा है और हमारे इतिहास पर भी चर्चा है, इतिहास में बहुत सारी बात भी आ रहा है, इतिहास के बारे में चर्चा करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसका
मास्टर जी हमें ये बता दीजिए कि आप पहले सब काम कर रहे हो, मतलब उस समय भी मनोरंजन के लिए पीने चल रहे होंगे जो भी होता होगा, तो उस समय भी बात समय थी, लेकिन बीच के जो पीरियड है उसमें शर्मिंदा इतनी भर गई थी कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर किसी भी भोजपुरी फिल्म को नहीं देख सकते। मतलब कहना था कि बीच में श्रीलता भर गई थी, जो पहले समय थे मनोज तिवारी थे, रवि किशन शुक्ला थे, बड़े बड़े कलाकार थे, निरहुआ जी भी है, इन सभी के समय में एक से एक सुपरस्टार हुए और एक से एक गाने गाए, लोगों को पसंद भी आया। मास्टर जी यही भी कहना चाहते हैं कि उस समय में जितने भी कलाकार थे बहुत अच्छे थे और आज भी है वो कलाकार, लेकिन अभी वो इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए, लेकिन हम भी यह निर्देश करना चाहेंगे उन कलाकारों को जो गंदा गाना गाते हैं वो कृपया करकर इस प्रकार के गाने मत गाएं, क्योंकि इससे हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में भी वो लोग रहते हैं जो मेरे घर में रहते हैं, क्योंकि वो लोग भी गाना सुनते हैं आपके, क्योंकि ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो लोग गाना नहीं सुनते हैं, आप समझते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत ही समझ सकते हैं इंटेलिजेंट है आप लोग, तो हम बात की विवेक बीटी भैया से और मास्टर जी से, हमको बहुत अच्छा लगा, तो चलिए मैं जाते जाते आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, मैं जब भी मौका मिलेगा फिर से आपसे फिर एक बार आने का बात भी करूँगा। कैमरामैन सुनील के साथ मैं संजीव शुक्ला टॉप बिहार में।